You work through the gun etiquette. I don't. From the point of view. Alright. Congratulations, Yeah. No. Okay, Mia Ma, I would like to request you to please have this. Okay. Alright, I have a next winner. मैं बोल रहा हूँ या तो ये करवा दो या फिर ये करवा दो. नहीं 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 तो ये खत्म करते पहले फिर आप तो विल टेक 5 मिनट्स जस्ट 2 मिनट्स आप ले लो मेरा हो गया. थैंक यू. दिस इज नेहा'स बुक ऑन हेल्दी डिजर्ट्स एंड नेहा इज अ वेरी क्या क्या कहते हैं कि अ वेरी गुड डाइटिशियन एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट अभी उनके सारे रेसिपी इस बुक में हैं. तो व्हेन यू गेटिंग बोर्ड ओपन द बुक एंड फाइंड अ हेल्दी डिजर्ट एंड एंजॉय योर डे. श्योर. सो ये बुक एक्चुअली एक वीगन ग्लूटेन फ्री हेल्दी डिजर्ट बुक है बिकॉज डिजर्ट हम सबको पसंद है बट डिजर्ट बहुत अनहेल्दी होते हैं. मैदा होता है, शुगर होता है, बटर होता है, बहुत कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें जो अनहेल्दी होते हैं, कैलोरीज बहुत हाई होता है. तो दीज रेसिपीज जो इस बुक में है बेसिकली आर वीगन ग्लूटेन फ्री हेल्दी. सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से बनाया हुआ है. जैसे हमने मिलेट्स यूज़ किया है, जैगरी यूज़ किया है रेसिपी बनाने में. इसमें इंडियन रेसिपीज है, बेक्ड है, अनबेक्ड है, तो सब तरीके के रेसिपीज आपको मिलेंगे. 75+ रेसिपीज है. प्लस एक गाइड है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपको शुगर एडिक्शन है क्या और अगर है तो आपको शुगर एडिक्शन या क्रेविंग से कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से. सो वो पूरा एक गाइड है आगे जो आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको नॉलेज मिलेगा. अगर बात करें डिजर्ट की तो आप लोगों का कोई पर्सनल फेवरेट डिजर्ट हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? मेरा तो फेवरेट अगर किसी भी चीज़ में चॉकलेट होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक सेम हियर. चॉकलेट इज समथिंग बट आई थिंक जो सबसे वर्सेटाइल और फेवरेट और जहाँ कहीं भी मिल जाता है ब्राउनी. आई थिंक आप कहीं भी उठा लो चॉकलेट ब्राउनी एंड आप इंजॉय कर सकते हो. तो चॉकलेट ब्राउनी मेरा बहुत फेवरेट है. और कुछ ऐसा जो डिवाइडेड हो कि ये डिजर्ट इन लोगों के लिए बना, ये डिजर्ट इन लोगों के लिए बना, जैसे शुगर के लिए, शुगर पेशेंट के लिए कुछ अलग. सो शुगर पेशेंट के लिए हमने ऐसी रेसिपीज बनाई है जिसमें हमने जैगरी या कोकोनट शुगर यूज़ किया है जो कम मात्रा में यूज़ किया है एंड हमने मिलेट से बनाया हुआ है जैसे बकवीट फ्लावर हो गया, किनवा हो गया, ओट्स हो गया. सो हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जो डायबिटिक्स भी खा सकते हैं और उनको अफेक्ट नहीं करेगा. सर आपकी बात करो, आपका सपोर्ट इस अरे मेरा सपोर्ट नेहा को बहुत सालों से. मैंने इनके साथ एक्चुअली डिजर्ट बनाया भी है. अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो आप देख सकते हो नेहा चैनल दैट वी एक्चुअली मेड अ डिजर्ट. तो मेरा तो हमेशा सपोर्ट रहा है, नॉट ओनली इन हर बुक बट इन ऑल हर प्रोडक्ट्स दैट शी हैज. इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं एंड आई बहुत बार तो आई एम लाइक द गिनी पिग. तो शुरुआत में मेरे पास आता है पहले एंड आई टेस्ट इट एंड आई गिव माई ओपिनियन and then actually it comes out to everybody else. Yeah. So, iske saath saath kya kuch upcoming dekhne ko milega aapko?
वो तो नहीं मेरा तो खैर अभी दूसरे बुक्स जब लिखूंगी तब मैं आपको बता दूंगी, अभी तो खैर डिजर्ट पे हम फोकस कर रहे हैं. बिसाइड्स दैट मेरे प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशन का तो चलता रहता है और सोशल मीडिया पे आप मुझे देख सकते हैं जो भी मैं काम करती हूँ. एंड रुस्लान अब क्या कर रहे हैं वो बताएंगे आपको. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी बुक पढ़ूंगा, अच्छे अच्छे डिजर्ट बनाऊंगा, अच्छे डिजर्ट खाऊंगा. यस होपफुली इंशाल्लाह हम ऐसे और बुक्स बनाएंगे एंड ऑडियंस को राइट ऑथेंटिक वीगन नॉलेज देंगे. जिनको भी हेल्दी खाना है तो हम अपना काम जारी रखेंगे ऑलवेज. नथिंग गाइज गेट दिस बुक एंड बस फॉलो नेहा ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा उनके बारे में और उनके डाइट्स के बारे में. Thank you guys, thank you for all the support. Thank you. Book ke saath visual. Acha, book ke saath visual. I'm with a pretty girl. Look at her, she's so pretty. As always. As always. Pretty inside out. Mamma Nia ki bahut naughty line. Haan, woh koi follow hi nahi karti jab aap jaati ho main. Thank you so much. Okay, so firstly, good to see you guys. क्या कहना चाहोगे? Desert पे किताब है और desert तो like हम लोग काफी पसंद आता है. Yeah. But, yeah. Health भी important होता है, desert भी important होता है. आप क्या कहना चाहोगे पहले? Well, पहले तो मैं आज मेरी friend को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ, बिकॉज यू नो शी इज जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इन लाइफ, टच एंड ग्रोइंग ऑल्सो. सो आई एक्चुअली हम लोग मिले थे, आई वॉज हर क्लाइंट ईयर्स बैक, लेकिन हम लोग अभी यू नो ज्यादा यू कैन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं एंड आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट हर. एंड एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स रिलीज की है, बट यू नो दिस वन इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू मी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई सफर फ्रॉम डायबिटीज़. सो यू नो दिस काइंड ऑफ अ बुक कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, बिकॉज मुझे डायबिटीज़ है लेकिन फिर भी मुझे बहुत क्रेविंग होता है, यू नो आई एम ऑल्सो ह्यूमन और मुझे स्वीट टूथ है एंड पहले तो मेरा दिल टूट गया था जब मुझे पता चला, बट बाय थैंक्स टू पीपल लाइक हर एंड रेसिपीज यू नो वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू ईट स्वीट स्टफ. And if you want to select any like healthy dessert from your side, what is that? Well, I think that she'll be the right person to guide me. What do you have to say? इसमें बहुत सारे depends what you like. You like Indian, you like chocolate. आपको क्या पसंद है? दोनों. तो Indian में तो आपके मालपुआ भी है इसमें और बेसन लड्डू भी है. Awesome, awesome. वो भी है and then आपके chocolate में तो chocolate mousse है. Wow. And then you have पैनाकोटाज है, बेरी चीज केक्स है एंड इसमें एक हमने ऐसा इंग्रेडिएंट यूज किया है जिसको कहते हैं मोंग फ्रूट, जिस जो आता है मोंग फ्रूट इज एक्चुअली स्वीटनर जो एक झाड़ से आता है, एक फ्रूट से आता है, बट उसमें कैलोरीज नहीं होता, बट वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. उसके जूस, उसका जूस इतना मीठा होता है कि आप 4 ड्रॉप डालेंगे ना आपका डिश मीठा हो जाएगा और डायबिटिक्स का शुगर नहीं बढ़ाता है. एग्जैक्टली, इनसे ना इतना सीखने को मिलता है. आई नो व्हाट इज मोंग फ्रूट, लाइक पहली बार सुना है. यस, तो हमने ऐसी चीजें इसमें डाली है ताकि आप उससे भी एक्सपेरिमेंट कर सके, आप उससे भी डिजर्ट बना सके. तो डायबिटिक्स को, वेट वॉचर्स के लिए इट्स अ बूम. थैंक यू. इसके अलावा न्यूट्रेला को लेकर काफी चर्चा होती है, इज इट हेल्दी अनहेल्दी? न्यूट्रेला, 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 न्यूट्रेला. हां, तो इसमें एक मैं एक्चुअली किसी ब्रांड को नीचे नहीं करना चाहूँगी, बट कमर्शियली अब ये जो भी खाते हैं इनमें बहुत सारा पाम ऑयल होता है, शुगर होता है और ऐसे हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ और लिवर और गट के लिए बहुत ख़राब होते हैं. तो इसमें एक्चुअली हमने एक हेल्दी न्यूटेला का रेसिपी डाला हुआ है जो आप अपने घर पर बहुत ईजिली बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो. एंड यू विल नॉट बी वरिड कि आपके बॉडी में केमिकल्स और टॉक्सिन्स और आपके आपका वेट बढ़ेगा या आपके लिवर को अफेक्ट करेगा या आपके गट को अफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यू नो गर्ल्स लाइक मी आर हू आर ऑन द हेल्दी साइड बिकॉज शी हैज माई मेडिकल हिस्ट्री. ओके, ऑफकोर्स व्हेन आई वाज विद हर आई हैव ऑलवेज बीन इन द ग्रेटेस्ट ऑफ शेप, आई वाज 10 किलोज डाउन व्हेन आई वाज विद हर. अभी मैं उनके साथ नहीं हूँ, लाइक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरा लाइक कहना ये है कि डोंट पुट डाउन गर्ल्स हु आर लाइक कर्वी एंड यू नो एवरीबॉडी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. यू नो आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आप पतले हो, आप काले हो, आप गोरे हो,
आप ओ माय गॉड यू पुट ऑन वेट. सो मेरा हमेशा ये स्टैंड है एंड आई एक्चुअली टेक अप फॉर बॉडी पॉजिटिविटी बट यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी. Like even now I call her, you know, when I have any problem, I get worried, I'm like, Nia, please help me. Like, you know, the most important obviously is to be healthy. Yeah. And I have to obviously now get back, I have to continue with her. Yes. And I think life, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत चीज़ें हो जाती है life में जो आपको एक, you know, आपकी health थोड़ा setback ले लेता है. So, mental issues होते हैं, emotional, बहुत लोगों को होते हैं. बट आपको उस टाइम पे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, लव करना है, अपने आप को हेट नहीं करना है. एंड डेफिनेटली लाइक ऑशी सेड, आप दूसरे इंसान को ये मत कहिए कि आप देखो आपकी बॉडी कैसे होगी, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. एग्जैक्टली उनके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके लाइफ में कितने बेसिकली सकते हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं. जस्ट ह्यूमैनिटी, शुड हैव सम ह्यूमैनिटी. तो इनका नेहा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था जब मेरा डाउन पीरियड भी था. लाइक शी हैज स्टूड बाय मी मोर एज अ फ्रेंड नोट. इसमें बहुत सारी मेरी फेवरेट, सारी फेवरेट है मैंने बनाई है यार. ये तो मैंने बोलती है बहुत खाती है, मैंने डिजर्ट बहुत खाती है. मेरे इंस्टाग्राम पे भी आई डोंट बिलीव मैं पोस्ट करती हूँ. मैं जहाँ भी जाती हूँ हेल्दी डिजर्ट खाती हूँ तो मैं टैग करती हूँ उनको, क्योंकि मुझे हेल्दी डिजर्ट बहुत प्यारा है. तो ये इसलिए बुक बहुत प्यारी है मुझे. तो मेरा इसमें एक मूस बहुत फेवरेट है क्योंकि वो बहुत ईजी है, और एक चॉकलेट फ्लैन करके है जो चॉकलेट कस्टर्ड है, बहुत ही डिलिशियस है. बिसाइड दैट अगर इंडियन में मैं बोलूँ तो इसमें एक मखाना खीर है क्योंकि मुझे खीर बहुत पसंद है, मखाना बहुत पसंद है. तो मखाना खीर इज समथिंग दैट मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये बुक में जो मैंने बनाई है रेसिपीज. तो ऐसे भी बहुत सारी 75 प्लस है, उसमें से 50 तो मेरी फेवरेट होंगी. डेजर्ट फ्री को ऑसम. इसके अलावा आपकी तरफ से कोई आने वाले समय में एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? Well, to be honest, I also do a lot of other work, you know, of course projects. So honestly, अब मैं ज़्यादा web में दिखूँगी. And I'm also into organizing events, like आप लोग जानते हैं. I'm also into my blogging. So you know, मैं बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ. I am somebody, मैं like you know, idle बैठ ही नहीं सकती. मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, but various kind of work. Of course, I'm first an actor. But I'm also into various things. हमने देखा है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट फोटोज आप डालते हो. जैसे ब्लॉगिंग की बात करूँ, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं फैंस से आपके? टच वुड बहुत अच्छा. तो इसलिए तो मोस्ट लव, इतना प्यार करते हैं लोग इसको, मतलब हम भी करते हैं, पर इसके फैंस इतना प्यार करते वापस को, बिकॉज़ ये है इतनी बबली, इतनी लाइवली. एंड ये कभी भी अपनी तकलीफें अपने अपने आगे नहीं आने देती है, सबके साथ हंसती हैं, सबके साथ यू नो शी मेक एवरीबॉडी फील लव्ड एंड वार्म. And that's the best part about her, I think. Yeah, actually, I think आप लोग जो मेरा Instagram पे देखते हो ना, तो just very me. मैं क्यों you know blogger बनी? Because it was very you know easy for me. मेरा nature ऐसा है, मैं bubbly हूँ, मैं travel करती हूँ. So and touch wood, you know, fans बहुत पसंद करते हैं, like because I can you know spread so much of information also to everybody. Like you know मैं जहाँ भी जा रही हूँ, क्या खाते हैं हम लोग, कहाँ travel करते हैं. So I really enjoy it. Thank you so much. Thank you so much.